मेरे सहयोगी आदरणीय कृष्ण पाल जी गुजर, हमारे विभाग के सचिव विजय छिब्बर जी, जॉइंट सेक्रेटरी संजय बंडोपाध्याय जी, विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी सम्माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, सभी सचिव राज्यों के, उपस्थित मीडिया के बंधु भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आपका महत्वपूर्ण समय आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिया है। आज हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये 15वीं मीटिंग है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की और 36th मीटिंग है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। ये दोनों भी महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं। आज दिन भर जो चर्चाएं होने वाली है, वो चर्चा आपके सुझाव देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक नई दिशा देने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आपके सबके सहयोग से, मार्गदर्शन से और सुझावों से हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे और दुनिया में बाकी देशों ने जिस प्रकार से परिवर्तन किया है, उसके साथ साथ हम भी उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर, ब्राज़ील, कनाडा, अनेक देशों में वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, वो हमसे बहुत आगे निकले हुए हैं। वहाँ जो रोड सेफ्टी के नियम बनाए हुए हैं, जो रोड इंजीनियरिंग है, उसके बारे में बहुत संशोधन हुआ है और स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का विचार करते हुए अगर सोचेंगे तो हमारा ये 1988 का एक्ट है और इसलिए समय के अनुसार काफ़ी परिवर्तन हुआ है और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा ये सेक्टर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में दुनिया के साथ चलें। हम कम से कम उनके आगे तो नहीं, पर उनके साथ बराबरी में रहें, यही हमारे देश के लोगों की अपेक्षा है। और उस दृष्टि से हमारे इस सेक्टर में किस प्रकार के सुधार हो और हम दुनिया में किस प्रकार से बराबरी में उन देशों के साथ जाएं, इसका चिंतन करके हमने 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार करके एक नया, जिसको ट्रांसपोर्ट और मोटर व्हीकल एक्ट ही आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। आप सब लोगों के सुझाव लेकर, जनता के सुझाव काफ़ी आए हैं, क्योंकि हमने उसको ऑनलाइन किया था और उसके बाद में काफ़ी चर्चाएं देश में हुई, मीडिया ने भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और उसके बाद आप सब लोगों की सलाह अंतिमता लेकर फिर कैबिनेट में जाकर और कैबिनेट से क्लियर करने के बाद फिर पार्लियामेंट में जाने का हमारा इरादा है। मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप में आप सबका सहयोग हमें मिलेगा। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट वर्ल्ड में हमारे देश में होते हैं, करीब 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 लोगों की मृत्यु होती है। इसमें से करीब 4.5 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 45 साल की है, उनका पूरी तरह जीवन इसके कारण बर्बाद हो जाता है। किसी का पैर टूटता है, किसी का हार्ट टूटता है और उनके जीवन में संकटों का सामना उनको करना पड़ता है। एक योगायोग हुआ है कि मेरा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वो भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानसभा में, और रेड लाइट कार में बैठकर पुलिस प्रोटेक्शन में है, एक ट्रक पे जाकर रेड लाइट कार में आकर ये हुई और मेरा पूरा परिवार उसमें था और भगवान की आशीर्वाद से हम लोग बच गए। हमारे जो सचिव महोदय, उनके ऊपर भी उनका लड़का एक्सीडेंट में, उसकी मृत्यु हुई है। हमारे कहीं ना कहीं सबके जीवन में ये घटनाएं कई कम अधिक प्रमाण में हुई है। इसकी चर्चाएं बहुत होती है। चर्चाएं होने के बाद स्वाभाविक रूप से ये नहीं होना चाहिए, भावना भी व्यक्त होती है। मीडिया में इसके ऊपर चर्चा होकर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ढकलने की कोशिश होती है।
अगर रोड वालों को पूछते तो वो कहते कि ये ड्राइवर्स मिस्टेक्स है, ड्राइवर को पूछते तो रोड की मिस्टेक है, दोनों पूछते तो वो बोलते व्हीकल खराब है, व्हीकल में प्रॉब्लम्स है, और कहीं और चौथी बात आती है तो और कुछ बातों के बारे में आर्गुमेंट होते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि ये रोड एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रश्न ये है कि हमारे समाज में और हमारे देश में ऐसे लाखों लोग अगर रोड एक्सीडेंट्स में मरते रहेंगे तो क्या हमारे देश के लिए अच्छी बात है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन लोगों की जान हम बचा सकते हैं? और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम इनकी जान बचा सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर था और तब मैं आपको भी एक सुझाव दूंगा कि आपके स्टेट में भी आप इसके लिए ज़रूर कोशिश करिए। तब मैंने एक मराठी में एक्सीडेंट को अपघात कहते हैं, एक्सीडेंट निवारण समिति तैयार की थी और उसमें रिटायर्ड PWD सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष थे और पुलिस के RTO के अधिकारी उसमें थे, ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि थे, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके इतने दो दो वॉल्यूम के बड़े रिपोर्ट महाराष्ट्र में हैं। मैंने उनको कहा कि इसका किताब निकाल कर ये पूरे देश में दीजिए और इस कमेटी को मैंने काम दिया था कि वो महाराष्ट्र के हर ज़िले में जाए और हर ज़िले में पिछले 10 साल में एक्सीडेंट जो हुए हैं उस जगह को जाकर विजिट करें, आइडेंटिफाई करें और कारण क्या है देखकर उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके संबंधित विभाग को दे कि ये स्पॉट कारण क्या है उसको सुधारे। पुणे कोल्हापुर रास्ते पर एक जयसिंहपुर बाईपास करके एक जगह थी, वो कर्व ऐसी बनी थी कि उसी में 125 लोगों की मृत्यु एक स्पॉट पर हुई थी। अगर वो कर्व अगर दुरुस्त की जाती तो शायद लोगों की जान बचती। कुछ जगह पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ काटने की परमिशन न देने के कारण डेड एंड हो गया और उसके कारण लोगों की मृत्यु हुई। ऐसी छोटे छोटे कारण समस्याएं जब सामने आई तब मैंने अपने मिनिस्ट्री की ओर से बजट देकर उन एक्सीडेंटल स्पॉट्स को इम्प्रूव करने का काम शुरू किया और उसमें काफ़ी एक्सीडेंटल स्पॉट जो थे ऐसे इम्प्रूव हुए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। हमारे परिवार का तो कोई हो नहीं हो पर समाज का भी कोई गरीब व्यक्ति इस प्रकार का शिकार ना बने और इसलिए इस एक्सीडेंट्स लगभग होने ही नहीं चाहिए, इसके बारे में संवेदनशील मन से इन सब बातों का जिक्र करके अध्ययन करके इसको रोकने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है और मेरी है। मैं ये मानता हूँ कि एज ए मिनिस्टर आई एम मोरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट्स और मेरा स्वभाव भी बहुत फ्रैंक है और मैं हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लॉजिक पर विश्वास ही नहीं रखता। इसका कारण ऐसा है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो कारण बताए जाते हैं वो एक दूसरे पर ढकेलने के कारण केवल उपयोगी होते हैं। रोड इंजीनियरिंग की बात हो, रोड सेफ्टी की बात हो, कर्व्स की बात हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के रीजंस हो और भी अनेक कारण हो, पर आप थर्ड पर्सन करके आपके राज्यों के नेशनल हाईवे का भी अंदाज लीजिए, स्टेट हाईवे का भी लीजिए, डिस्ट्रिक्ट रोड का भी लीजिए और ये एक्सीडेंटल स्पॉट्स जो है एक एक जगह पर 50-50 एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्या इन स्पॉट्स को इम्प्रूव करके भविष्य में हम लोगों की जान बचा सकते क्या? इसके लिए आप सहयोग करिए। ये मैं बहुत संवेदनशील मन से आपको आह्वान करता हूँ कि आप सबके सहयोग से जो 1.5 लाख लोग मृत्युमुखी हो रही ये संख्या कम से कम 2 साल के अंदर हम 50% से कम करेंगे और धीरे धीरे इतनी कम करेंगे कि हमारे लोगों की जान नहीं जाएगी। और इस काम के लिए आप सहयोग करिए, इसमें एक्सीडेंटल स्पॉट्स को कमेटी अपॉइंट करके उसको निकालिए, रोड इंजीनियरिंग के हिसाब से जो चेंजेस करने हैं वो भी आप जरूर करिए और निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स की संख्या कम कैसी हो, लोगों की जान कैसी बचे इसके बारे में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जो विशेष रूप से जो एक्ट अभी तैयार किया गया है जो आपके सामने हमने दिया है उसमें विशेष रूप से जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 यानी उसमें पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट नाम था उस ड्राफ्ट का रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 ऐसा दिया है। स्वाभाविक रूप से
इस क्षेत्र में जो 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 प्रश्न है, समस्या है, जहाँ जहाँ सुधार के अवसर हैं, उसको सुधारने की बात हमने इस एक्ट में की है। हमारे देश में मल्टी मोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और स्वाभाविक रूप से आप सबका संबंध ज़्यादातर रोड सेक्टर से है। रोड सेक्टर में अब राष्ट्रीय महामार्ग पर हमने 4 लेन करने का काम बड़े प्रमाण में हाथ में लिया है और उसमें से काफ़ी बड़ा काम करने की आवश्यकता है। इस सेक्टर में अभी कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के काम ऐसे हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट सहयोग से हम लोग कर सकते हैं और इंटरेस्ट कॉस्ट अगर कम होती है तो ये और बड़े प्रमाण पर हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमने ये नीति तय की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में FDI अगर आता है तो उसमें हम निश्चित रूप से प्रोत्साहित करें। दूसरी ओर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ से कम इंटरेस्ट पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा मिल सकता है तो लाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री जी जापान जाकर आए हैं, बाकी देशों के साथ हमारा संपर्क हुआ है और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से नेशनल हाईवे पे रोड पर व्हीकल की स्पीड बढ़ी है उसी प्रकार से रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ेगी और रोड कंस्ट्रक्शन में हम रोड इंजीनियरिंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे ताकि इसमें हम निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट कैसे ना हो। हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत से रोड बनाए और रोड बनाने के बाद इकोनॉमिक वायबिलिटी आने के लिए अनेक जगह अंडरपास कैंसिल कर दिए, ब्रिजेस कैंसिल कर दिए, एक एक गांव में 15-15, 20-20 लोग साल में मरते हैं। जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा ये PPP मॉडल है, इसमें कुछ भी हाथ लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पेंसेशन मांगेगा, उसको समय बढ़ाना पड़ेगा, ये जो हुआ है हुआ है, इसको हाथ मत लगाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, लोग मर रहे और हाथ मत लगाओ आप कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम 10 ब्रिज कम बनाएंगे, हमारे पैसे देंगे, पर रोड सेफ्टी के लिए नेशनल हाईवे में ऐसे लोग मर रहे ये काम नहीं चलेगा। और मैंने निर्णय किया है कि जो जो नेशनल हाईवे बने जहाँ अंडरपास एसेंशियल है, जहाँ ब्रिज एसेंशियल है, फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है, उन सब बातों को हम तुरंत निर्णय करके सुधारेंगे ताकि वहाँ कोई एक्सीडेंट ना हो। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 5-5, 6-6 लड़के नेशनल हाईवे पे एक ही स्पॉट पर मर गए केवल क्रॉस करते करते, और ये घटनाएं बहुत बड़े प्रमाण पर हैं। और इसलिए रोड सेफ्टी के हिसाब से रोड इंजीनियरिंग का भी विचार करते हुए जहाँ जहाँ आवश्यक होंगे लोगों की जान बचाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। मेरे आपसे अब अनुरोध है कि ये दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रैफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड की डिज़ाइनिंग का काम करती है, केंद्र सरकार की है। मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते थे नागपुर में, तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि नागपुर के ट्रैफिक का आप स्टडी करिए। आजकल अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज में ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग की भी ब्रांच है, उनका भी आप मदद ले सकते हैं। और उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दिया और हमारे यहाँ एक स्क्वेयर था अजनी स्क्वेयर करके, जहाँ कम से कम 100 एक्सीडेंट्स हुए थे और जैसे ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाले ने सुधार किया 10 साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये एक साइंस है, विज्ञान तंत्र विज्ञान ये आगे बढ़ रहा है, रिसर्च महत्वपूर्ण है और अगर समस्याओं का निदान अगर सही होता है और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से और हम लोग स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी लड़कों की मदद लेकर भी हम कुछ स्क्वेयर्स इम्प्रूव करते हैं, कुछ जगह 1 वे लगा देते हैं, कुछ जगह ट्रैफिक सिग्नल लगा देते हैं, तो भी हम अनेक लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे सबसे पहले अनुरोध है कि रोड सेक्टर के बारे में लाइफ सेफ्टी को लेकर इस बारे में निश्चित रूप से आपकी तरफ से आप पहल करिए और इसमें निश्चित रूप से ये जो एक्सीडेंट्स की संख्या है ये कम करने के लिए आप सहयोग करिए। जहाँ तक रोड के बाद में जो आती है वो विशेष रूप से हमारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात आती है। जो इंस्टीट्यूट हमने बनाए थे वो 2-2 साल, 4-4 साल कोई काम नहीं करते थे। मेरी इसके ऊपर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया थी, दुनिया बदल रही है। हमारे देश में हम अभी 7 लाख करोड़ रुपए का हमारा इम्पोर्ट बिल है, हम ये पूरा इम्पोर्ट करते जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई है। $1 की कीमत 61-62 रुपये पर हुई है क्योंकि क्रूड का बिल बहुत बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के हिसाब से विचार कर सकते हैं क्या? तो हमने हमारे
डिपार्टमेंट को मैंने सुझाव दिया कि जो जो नई बातें करना चाहते उनको हम इनकरेज करें। कुछ दिन पहले हिंदुजा मेरे पास आए थे, अशोक लेलैंड का उनका उद्योग है। उन्होंने यूके में, इंग्लैंड में 100% इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है। जब मैंने उनको कहा कि आप पोल्यूशन की चिंता इंग्लैंड में करते हो तो भारत में क्यों नहीं करते, हमारे यहाँ क्यों नहीं आपने इलेक्ट्रिक बस लाई, उन्होंने मुझे दिवाली के समय, उनका लंदन से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि एक बस मैंने इंडिया में भेजी है और वो इलेक्ट्रिक बस आप अपने देश में आई है। निश्चित रूप से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को ये रिकमेंड करने वाला हूँ कि जो टेक्नोलॉजी पोल्यूशन को कम करने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करने वाली है, हमारे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को सुधारने वाली है, इसके बारे में हम लोग कंसेशन दें। उनके ऊपर टैक्स लगाने के बजाय उनको अगर कुछ सहूलियत देंगे तो पर्यावरण के दृष्टि से भी बहुत बड़ा योगदान होगा। दिल्ली में आपको पता होगा कि एक समय कितना पोल्यूशन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी भूमिका ली, CNG आया, उसके बाद में बसेस बदली और दिल्ली का पोल्यूशन काफ़ी प्रमाण में कम हुआ। पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भूमिका लेनी पड़ी। पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट जो भूमिका ले सकते हैं वो भूमिका सरकार क्यों नहीं ले सकती, ये सवाल लोग पूछते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे देश में और हमारे स्टेट्स में, हमारे जिलों में, हमारे गाँवों में पोल्यूशन की दृष्टि से भी हम आने वाली टेक्नोलॉजी को इनकरेज करने की कोशिश करें। बायोफ्यूल की बात आती है, मैं खुद उसमें बहुत रुचि रखता हूँ। हमारे इथेनॉल जो है, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है, मैं हमारे डिपार्टमेंट के पीछे लगकर इतनी तकलीफ है, इतना रेड टेपिज्म है कि भगवान की कृपा से अच्छा होगा मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री बना, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी सुधर सकता था। और इतने ऑब्स्टैकल्स हैं, इतने एक दूसरे चेक्स एंड काउंटर चेक्स हैं कि कोई नई चीज़ करना बहुत कठिन होता था। पर इस बार हमने एक बायो फ्यूल पर 100% एक बस शुरू की है। संजय बंदोपाध्याय जी ने बहुत परिश्रम किए, उनको भी अनेक अड़चनें आई। 10 डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन करो तो उसको किसी को चिंता नहीं होती, पर अच्छा काम करो तो 50 लोग उसके ऊपर अपना स्टे लगा कर, वेटो लगा के, कैसा नहीं हो सकता इसके ताकत लगाते। तो पहली बस जो 100% इथेनॉल पर चलती है, जिसकी कॉस्ट भी कम है, जो 45 रुपये लीटर है, पेट्रोल 75-80 रुपये तक है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है, स्कैनिया करके करना स्वीडन की कंपनी है और उन्होंने पहली बस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे दी और हमने हमारे शहर में, नागपुर शहर में रोज़ घूमती है, एयर कंडीशन बस है, अच्छी चल रही है। और इथेनॉल हमारे देश में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सरप्लस होता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर ये बायोफ्यूल अगर आता है महाराष्ट्र में तो पूरी तरह, इतना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 8-10 स्टेट को दे सकता है, इतना तैयार हो सकता है। अब तो इथेनॉल जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल कचरे से भी तैयार हो सकता है, बायोमास से भी तैयार हो सकता है, हमारा इंपोर्ट कम हो सकता है, रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में नए एम्प्लॉयमेंट निर्माण हो सकती है और पोल्यूशन नहीं के बराबर हो सकता है। मुझे लगता है कि इसलिए हमको अलग अलग बातों के पास जाना पड़ेगा। पेट्रोल प्लस बैटरी हाइब्रिड इंजन की बात आई, पुणे में एक कंपनी है, उन्होंने बहुत प्रकार का इस प्रकार का रिसर्च किया, मलेशिया में उनको मान्यता मिली पर हमारे देश में नहीं मिल रही थी। मैंने हमारे अधिकारी को कहा कि देश के इंटरेस्ट में इसको इनकरेज करिए। अब पेट्रोल और बैटरी, डीजल और बैटरी, CNG और बैटरी, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक, ऐसा कॉम्बिनेशन हाइब्रिड हो सकता है। इसमें हमारी बस जब चलती रहेगी तो पावर जनरेट होगी, तो बैटरी चार्ज होगी, इससे हमारा पेट्रोल डीजल जो क्रूड का बिल है वो कम हो सकता है। देश की इकोनॉमी के दृष्टि से ये जो 6-7 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, क्या ये हम आधा कर सकते हैं? और आधा करने से ये 3 लाख करोड़ भी अगर हमारे देश के रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में अगर जाएगा तो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार निर्माण होंगे, देश की इकोनॉमी सुधरेगी। तो हमने निश्चित रूप से इसका भी विचार किया हुआ है। जहाँ तक सेफ्टी का विचार, फ्यूल का विचार और इसके बाद किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर कोई लाना चाहता है तो उसको किसी भी स्थिति से जल्द उसको अप्रूवल मिलेगा, ऐसी सिस्टम हमने लाई है और मेरा विश्वास है कि ये सिस्टम ई गवर्नेंस के साथ जोड़ने के कारण निश्चित रूप में इसमें उपयोग होगा। आदरणीय हमारे सचिव महोदय जी ने आपको बताया है कि हमारे बस स्टेशंस कैसे हैं। मैं अभी कर्नाटक के मंत्री जी से बात कर रहा था, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाकी देश की तुलना में अच्छी है। पर हमारे बस स्टेशंस कैसे हैं,
क्या वहाँ बैठने की इच्छा होती है क्या? और इसलिए हमने ये तय किया है कि जैसे एयरपोर्ट बने हैं, वाटर पोर्ट बना रहे हैं, सी पोर्ट बना रहे हैं, ऐसे हम बस पोर्ट बनाएंगे। हमारे गुजरात में प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से बड़ौदा में एक बस पोर्ट बना हुआ है, उसका प्रेजेंटेशन हमने देखा। अंदर में कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट्स है, छोटे छोटे चीज़ों की दुकानें हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग है, एयर कंडीशन है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मॉल्स है, और उसको इकोनॉमिक वायबल करके जहाँ आते हैं उनको लोगों को बैठने की इच्छा होती है। ये जो लाखों करोड़ों गरीब लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्रवास कर सकते हैं, क्या उनको हम बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं? हमारे जो ट्रांसपोर्ट बस के जो स्टेशन से अच्छे बना सकते हैं? हमने पहली पहल की है कि आपके स्टेट में अगर ऐसे पोर्ट आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोई डिज़ाइनिंग के लिए कंसल्टेंसी अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके जो चार्जेस हैं वो हम हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आपको देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस पोर्ट का भी कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाकर केंद्र सरकार से और अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री से अनुरोध करने वाला हूँ कि हर साल बजट में कुछ 2,000-3,000 करोड़ इसके लिए रखे जाए, और आपके स्टेट में जो एयरपोर्ट है वैसे बस पोर्ट बने, और उसमें ये PPP मॉडल में कुछ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, कुछ स्टेट का कंट्रीब्यूशन हो, और कुछ जो वायबिलिटी गैप है वो हमारी केंद्र की सरकार आपको दे, और आपके यहाँ अच्छे अच्छे बस पोर्ट तैयार हों, जहाँ पार्किंग प्लेसेस हो, जहाँ अच्छी तरह से लोग बैठ सकते हैं, ऐसे हो टॉयलेट्स अच्छे हो और लोग वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द की ऑफ सक्सेस। जो ग्लोबल इकोनॉमी में हम जा रहे हैं 21वीं सदी में, आप इस बात में ज़रूर विचार करिए, इसमें ज़रूर हम आपको सहयोग करेंगे। जहाँ तक ये मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, करप्शन के बारे में भी बहुत चर्चाएं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और करप्शन फ्री एग्जीक्यूशन चाहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री एग्जीक्यूशन अगर करना है तो हमको इसमें निश्चित रूप से ई गवर्नेंस को लाना होगा। मैं आपको अभिनंदन करूँगा कि हमने जैसे ही जो ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए जो परमिट था वो ऑनलाइन किया तो 700 करोड़ इनकम था, अभी सचिव महोदय ने भी बताया 1100 करोड़ हो गया, इनकम बढ़ेगा। और मैंने अभी उनसे बात करते हुए कहा कि जब ये पैसा मिलता है तो ये मुझे बता रहे थे कि एक महीने में फिर स्टेट के अकाउंट में जाता है। मैंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस समय हमको पैसा मिलेगा उसी मिनट में हम आपके स्टेट का शेयर आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए, आपको मांगने के लिए आने की जरूरत नहीं है, आपके अधिकार का पैसा आपके अकाउंट में तुरंत जमा होना चाहिए। ये बात की सूचना मैंने उनको दी है ताकि आपको इसके लिए चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़े, और इसलिए जो भी कोई एक जगह इकट्ठा होता है उसी क्षण में आपका हिस्सा आपके अकाउंट में जमा होगा। वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम उस सिस्टम को तैयार करेंगे, और इससे निश्चित रूप से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज आप सब ने अगर अनुमति दी तो जिस प्रकार से हमने ट्रक ट्रांसपोर्ट में जो नेशनल परमिट को ऑनलाइन किया है, वैसे बस परमिट को भी अगर हम ऑनलाइन करने की अनुमति आप सब लोग देंगे तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आज के इस हमारे काउंसिल में इस प्रस्ताव को मंजूर करके पुराने एक्ट का आधार लेकर अगर हम इसको करेंगे तो देश में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जहाँ तक ये बाकी बातें जो है जो परिवहन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस का है, हम ऑटोमेटिव ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को लाना चाहते हैं। अब आप मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, स्टाफ में मेरे यहाँ एक व्यक्ति मुझे मिला, उसके पास 4 लाइसेंस थे, एक जयपुर में लिया था, एक दिल्ली में लिया था। तो डाटा बेस अगर एक होगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा अगर एक जगह होगा तो ये डबल ड्राइविंग, अभी आधार कार्ड आ रहा है, बाकी भी सब आ रहे हैं, तो हम इस सिस्टम के साथ इसके बारे में जो कुछ चल रहा है वो बंद कर सकते हैं। और इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस का इलेक्ट्रॉनिक बेस जो हम खड़ा करेंगे, ये पूरी सिस्टम में ये बेस आपका और हमारा मिलकर रहेगा, और जिसके कारण टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाएगी, कोई 2-3 बार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता है। और ड्राइविंग लाइसेंस के पूरे डिटेल तुरंत हमारे वेबसाइट पर हमको एक मिनट में मिल जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी वो आमिर खान जी का प्रोग्राम आया था,
और उसमें उनने बताया और बाकी जगह भी आया कि कोई अनेक लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है पर वो ड्राइविंग टेस्ट उन्हें दी नहीं। एक्सीडेंट होते इसके कारण पूरे वर्ल्ड में ड्राइविंग लाइसेंस मिलाना ये बहुत डिफिकल्ट है, पर भारत ने एक रिकॉर्ड किया है कि वर्ल्ड में सबसे कम समय में और कम परिश्रम में आसानी से अगर ड्राइविंग लाइसेंस कहीं मिल सकता है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जो कोई ड्राइविंग टेस्ट देता है ना, कोई ट्रेनिंग लेता है ना देता है, फिर उसके बाद में स्वाभाविक रूप से उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और उसके बाद एक्सीडेंट्स होते हैं। हमको इसमें सोचना होगा। और इसलिए पूना में हमारे डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इंस्टीट्यूट वो तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया है, वो कंप्यूटराइज है और ऑटोमेटिव जो सिस्टम है उसी के आधार पर है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर वहाँ टेस्ट देगा तो कंप्यूटर उसको हर टेस्ट पर मार्क देगा। अब जब बाहर निकलेगा तो कंप्यूटर ही उसको पास या फेल डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ कोई आदमी का काम ही नहीं है। तो जो सही आता है ड्राइविंग उसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो गलत ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हो बाकी कारणों से लिए हो उसके साथ अगर सही में ट्रेन ड्राइवर्स अगर आएंगे तो एक्सीडेंट्स के बारे में भी उसके दृष्टि से एक सुधार होगा। ये सिस्टम बहुत अच्छी है और पूना में 1 तारीख को मैं इसका इनॉग्रेशन कर रहा हूँ। मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि आप सब लोग पूना में आइए, हमारे जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इंचार्ज है उनके साथ समय लेकर आप इसको विजिट करिए। ये मॉडल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है जो पुराने बसों के बारे में फिटनेस देते हैं, जर्मनी में बहुत सुधार हुआ है और ये कोई काम हमने अपने मन से नहीं किया है। वर्ल्ड बैंक में काम करने वाला एक थिंक टैंक तैयार किया था और बाहर के लोगों को भी आउटसोर्स करके ये काम दिया था कि कौन से देश में क्या चल रहा है, उन सब का अध्ययन करके ये लाया है। फिटनेस सर्टिफिकेट भी कैसे मिल सकता है और इसके लिए इन सब सिस्टम को हमने कंप्यूटराइज किया है, इसको मैकेनाइज सिस्टम में कंप्यूटराइज में सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी से इसको पूरे मॉडल्स को तैयार किया है। और आपके स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में 5, 10, 15 आपके अधिकार में आप इस प्रकार के मॉडल्स खड़े करिए जिसमें लोगों को तकलीफ नहीं होगी, चक्कर मारने की भी ज़रूरत नहीं और किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे ये काम हो सकते हैं। और इसलिए विशेष रूप से मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो नए सुधार जो है जो ई गवर्नेंस के साथ जुड़े हुए जो आपके सामने जिसका प्रेजेंटेशन होगा इसके ऊपर निश्चित रूप से आप जरूर सोचिए। कंप्यूटराइज करप्शन फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नेशनल लेवल पर भी होगी, स्टेट लेवल पर भी होगी और इन सब बातों की वो चिंता भी करेगी। जो क्वालिटेटिव सुधार हैं वो इसके कारण होंगे और उसमें निश्चित रूप से एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड इमरजेंसी, ये 4 E इसके इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये चर्चा हो रही है कि मैट्रिक पास होगा उसी को ये जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए, कोई बोलते नहीं देना चाहिए, फिर ट्रेनिंग देना चाहिए, छोटे छोटे विषय है उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, पर निश्चित रूप से ड्राइविंग करने वाला भी व्यक्ति कम से कम समझदार हो, संवेदनशील हो और उसके पास कैपेबिलिटी हो और वो जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का वहन करने की क्षमता रखने वाला हो। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर व्हीकल सेफ्टी तक, रोड सेफ्टी तक सभी बातों के आधार और इस अथॉरिटी का निर्माण ये भी आपके सामने हमारे ड्राफ्ट बिल के द्वारा हमने रखा हुआ है। एक यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम इसको भी हमने आपके सामने सुझाया। मुझे ऐसा लगता है कि व्हीकल रेगुलेशन एंड सेफ्टी अथॉरिटी, यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम, यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट एंड मल्टी मॉडल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी, और इसमें आपको भी आपके स्टेट के लेवल पर वो निर्माण करनी है। इसके साथ आप जरूर, मैं आपसे आह्वान करूँगा कि इन सब बातों के बारे में आपका सहयोग निश्चित रूप से इस सब बातों के लिए आप जरूर करिए। ये जो कानून बनाया गया है जिसके बारे में बहुत बार चर्चाएँ होती है उसके बारे में भी हमने बहुत विचारपूर्वक कुछ नियम तैयार किए जिसमें UK में सिस्टम है कि स्क्वेयर्स फॉर लाइट लगेंगे, कैमरेज लगेंगे और कैमरे में अगर कोई व्यक्ति चाहे नेता है, अभिनेता है, पत्रकार है, साहित्यिक, कोई भी हो जो भी वायोलेशन करता है उसकी फिल्म निकलकर तुरंत हमारे पास आएगी
और हम लोग 2 घंटे के अंदर उसके घर में पूरी एविडेंस के साथ देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, आपको इतना फाइन लगा है। अगर वो फाइन लगाने के बाद अगर कोर्ट में जाते हैं और सही होता है तो 3 गुना बढ़ सकता है, नहीं तो उसको फाइन भरना पड़ेगा। अब आजकल रोड में कोई पार्किंग नहीं होता, इसका प्रावधान इसमें नहीं है। हम लोग मुंबई जैसे शहर में जाते तो रात को हमारे रोड पर बड़े बड़े प्रमाण बसेस और गाड़ियां खड़े करते हैं। अब लोग समझ लेते हैं कि रोड यानी उनको पार्किंग प्लेसेस के लिए सरकार ने बनाया हुआ है। अगर रोड का उपयोग पार्किंग के लिए होगा तो बसेस कहाँ से चलेगी, और इसलिए लोगों ने अपने घरों में पार्किंग बनाना चाहिए। एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ आ रही है पर पार्किंग एक भी नहीं है, सब रोड पर गाड़ियाँ खड़े करते हैं, फिर एक्सीडेंट, गाड़ियों के लिए जगह नहीं होती। तो स्वाभाविक रूप से इन छोटी छोटी बातों का विचार करके हमको हमारे नियम बनाने पड़ेंगे, जिसमें हमारे देश की जनता को हम रिलीफ कैसा दें, एक्सीडेंट को कम कैसे कर सकें। जैसे आज ही सचिव महोदय ने आपको बताया कि हमको टोल रोड बनाने पड़ रहे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। टोल पर खड़ा होने के कारण करोड़ रुपए का फ्यूल नष्ट होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, समय खराब होता है। अब हमने एक सिस्टम तैयार किया है, मैं 31 तारीख को उसका इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, और 350 टोल अब ऐसे शुरू हो जाएंगे कि वहाँ आपको एक कंप्यूटर चिप आपके गाड़ी पर लग जाएगी, जैसे आएगी तो कैमरा उसको कैच करेगा, उठ जाएगा, आप चले जाएंगे। ICICI बैंक के साथ हमने जॉइंट वेंचर किया है और तुरंत आपके अकाउंट में, जैसे मोबाइल में आपके पॉइंट्स रहते हैं वैसे बताएंगे इतने पैसे आपके टोल में पैसे जमा हो जाएंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं। स्वाभाविक रूप से जैसे ये 350 टोल हमने इस सिस्टम में लाए हैं, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि हमारे सचिव महोदय ने आपको कहा है कि आपके स्टेट के भी सभी टोल को इस सिस्टम से जोड़ दो, हम कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ चार्ज आपको ये सहूलियत देंगे, और जिस कारण स्टेट रोड भी कवर हो जाएंगे तो किसी को टोल नाके पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बातों के लिए भी आप इस सिस्टम का उपयोग करें। और इसी सिस्टम में हमने ट्रक के लिए वेइंग ब्रिज रखे हैं, और वो वेइंग ब्रिज पर अगर ट्रक खड़ा हो जाएगा तो 10 टन के ट्रक में कितना वजन है 1 मिनट में आएगा, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे ऑफिस में रजिस्टर हो जाएगा। वहाँ का आदमी उसको मदद करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम पूरी ट्रांसपेरेंट बनी हुई है, उसको तुरंत फाइन भरना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और इसलिए कोई गुनाह ही नहीं करेगा। तो धीरे धीरे हम लोगों को अच्छी सेवाएँ कैसे दें, सेफ्टी की चिंता कैसे करें, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, और ई गवर्नेंस का उपयोग कैसे हो। हमने ये भी तय किया है कि हमारे रोड के जो नेशनल हाईवे है उसके बाजू में कम से कम 50-50 किलोमीटर पर हमने टारगेट रखा है कि 2000 रोड साइड एमिनिटीज़ करेंगे, जिसमें रेस्टोरेंट्स होंगे, होटल्स होंगे, पब्लिक टॉयलेट होगा, पेट्रोल पंप होगा, वॉशरूम्स होंगी, वहाँ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स विशेषताएँ उसके दुकानें होंगी, वहाँ हेलीपैड के लिए जगह होगी और बड़ी अच्छी प्लेस होगी, बच्चों को खेलने के लिए छोटी सी जगह होगी, छोटा गार्डन होगा, ताकि 35 एकड़ 50 एकड़ में इस प्रकार के सेंटर जहाँ ड्राइवर्स अपने लोग टूरिज्म के लिए निकले हुए परिवार के लोग वहाँ रुक सकते हैं, ड्राइवर कुछ समय रुक सकते हैं। जैसे ये हमने टूरिस्ट के लिए किया है, पैसेंजर्स के लिए किया है, वैसे ट्रक ड्राइवर के लिए एक ड्राइवर्स क्लब करके केवल ट्रक चलाने वाले ट्रांसपोर्ट वाले लोग वहाँ रुकेंगे, ढाबा होगा, वॉशरूम्स होंगी, वो आराम कर सकेंगे, थोड़ी देर तक सो सकते हैं। हमारे देश में फॉरेन में बहुत कड़क नियम है, इतने घंटे होने के बाद कोई ड्राइविंग नहीं कर सकता, आखिर व्यक्ति व्यक्ति है, कितने समय तक वो चला सकता है, और ऐसे ही 14-14 15 घंटे चलाएगा तो टेंशन होगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और एक्सीडेंट होगा। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की चिंता हमने की है। हमने हमारे नेशनल हाईवे पर एक नया निर्णय किया है कि ऑप्टिक फाइबर केबल भी उसके अंदर से डाल रहे हैं, गैस की पाइपलाइन भी डाल रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की भी पाइपलाइन रखने के लिए जगह रखी है, और 1200 केवी के ऊपर जो ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन की केबल भी डालने का हम सोच रहे हैं। कल मेरे पास गेल के लोग आए थे, हमारे जितने पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे में हैं वहाँ अगर गैस उनको उसी पाइपलाइन से मिलता है तो आगे CNG उनको मिल सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट बच सकता है। और स्वाभाविक रूप से ऐसी अनेक कल्पनाएं हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, 1996 में जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब ई गवर्नेंस का इतना बोलबाला नहीं था, तब मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और उस समय मैंने आउट ऑफ वे जाकर, यानी हमारे अधिकारीगण उसके लिए जरूरत नहीं ये कहते थे, एक ऑप्टिक फाइबर केबल मुंबई और पुणे के बीच में डाली। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज 30 करोड़ रुपए साल का इनकम
उस ऑप्टिक फाइबर केबल के कारण हमारे स्टेट को मिलता है। क्या हमारे रोड में ये गैस, ऑप्टिक फाइबर केबल, ड्रिंकिंग वाटर, ये ट्रांसमिशन लाइन के अंडरग्राउंड केबल, क्या इससे हम लोग हाईवे को कोई इनकम मिलाकर दे सकते हैं रोड के लिए? तो ये भी बात हम जरूर सोचें कि जिसके लिए हमने विचार किया है। हमने सीमेंट के लिए रोड बनाने का जब निर्णय किया तो सीमेंट सेक्टर ने तुरंत कार्टेल करके 325-350 तक रेट लेके गए। मैंने सबको बुलाया है, कल हमने वो टेंडर भी रिसीव किए हैं और मुझे विश्वास है कि 150 रुपये में सीमेंट की बैग मिलेगी और टार रोड से भी तुलना में हम लोग और सस्ते प्राइस में सीमेंट के रोड बना सकेंगे। आप में से अनेक लोग राज्य सरकार में रोड बनाने का भी काम करते हैं। कंक्रीट रोड 100 साल 200 साल कुछ नहीं होगा और उसके कारण कोई प्रॉब्लम मेंटेनेंस की भी नहीं आ सकते हैं। हम लोगों को अच्छे क्वालिटी के रोड दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च और भविष्य में क्या क्या चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। कर्नाटक के मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। हमारे देश में ऑयल स्लैग होती है, वो वेस्टेज है। आपके कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में पहाड़ लगे हुए हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से एक डॉक्टरेट इंडियन व्यक्ति मेरे पास आए और वो आयरन स्लैग से एयर स्ट्रिप बनाई है, रोड्स बनाए हैं, तब मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि आप इस पर रिसर्च करिए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया और मुझे रिपोर्ट दिया और हमने अलाउ किया है। अब आपको पहाड़ खोदने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑयल स्लैग आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल सकती है। इसके लिए 4% सैंड उसके कर सकते हैं, स्टोन क्रश के जगह ये इसको यूज़ किया जा सकता है, कंक्रीट में, रेडीमिक्स कंक्रीट में डाली जा सकती है और वो गिट्टी यूज़ करने के बजाय एग्रीगेट आप इसको यूज़ करके ये फ्री ऑफ चार्ज वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्पोजल का प्रॉब्लम है। इससे रोड की कीमत कम हो सकती है और इसलिए कहीं ना कहीं नई नई बातों को सोचकर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रोड की कम करना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को पूरी पार एक्सलेंट पूरी तरह से उसका प्लानिंग करके उसका उपयोग करना, एक्सीडेंटल स्पॉट्स जो है, डार्क जोन है, उसको दूर करना, एग्जिस्टिंग एक्सीडेंटल स्पॉट्स से उसको इम्प्रूव करना, रोड साइड एमिनिटीज देना और इसका इनकम भी इकट्ठा करने की कोशिश करना। मैं आपसे और एक अनुरोध करूंगा कि मैं ग्रामीण विकास का भी मंत्री हूं। मैंने नरेगा में इस बात के लिए आपको आह्वान किया है कि आप उसमें नर्सरी डालिए और रोड साइड प्लांटेशन करिए। मैंने हमारे नेशनल हाईवे पे मेरे ध्यान में आया है कि कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में है कि उसने पेड़ लगाने चाहिए, पर उसने लगाए नहीं है। तो दो चीज़ों के बारे में अभी हमने कार्रवाई करना शुरू की है। जैसे हमारे सचिव महोदय ने कहा कि नेशनल हाईवे पर जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पब्लिक टॉयलेट और पीने की पानी की व्यवस्था पेट्रोल पंप वालों को, लोगों के लिए देनी पड़ेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं पर वो दे नहीं रहे, अब उसका कड़ाई से अमल करेंगे ताकि इसके कारण कम से कम लाखों टॉयलेट रोड पर बन जाएंगे जो लोगों की सुविधा होगी और फ्री ऑफ चार्ज उनको ये सहूलियत मिलेगी, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आप भी आपके स्टेट में इसको मॉनिटरिंग करिए और आपके स्टेट हाईवे पे भी जो पेट्रोल पंप है उनको आग्रह करिए। तो मुझे लगता है ये गरीब लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे आग्रह से करूँगा, वो पेड़ लगाने के बारे में भी आप इनिशिएटिव लीजिए। अगर ये पेड़ लगाने के लिए, अगर आप जिस जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के पेड़ हों वो आपके रोड पर लगेंगे तो इन्वायरमेंट सुधरेगा, रोड में प्रवास करना आसान होगा। तो मुझे लगता है ये भी बात आप इसको जरूर विचार करिए। जहाँ तक हमारे देश के जीडीपी में अगर हमने एक्सीडेंट्स कम किए, सेफ्टी के मेजर्स को ठीक प्रकार से किया, तो देश का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। अगर ये नुकसान, अगर इसके बारे में मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, पर 4% जीडीपी कम से कम इसके कारण हमारा कम हो रहा है, ऐसा मुझे स्टैटिस्टिक में बताया गया है। और ये अगर हम ठीक प्रकार से करें तो नए लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, इसमें पीपीपी मॉडल, प्राइवेट सेक्टर का भी उपयोग हो सकता है। और किसी को हम लोग नौकरी से दूर नहीं कर रहे हैं। जो आरटीओ में लोग हैं उनको लगता है करप्शन फ्री होगी और निश्चित टाइम बाउंड होंगी, आज आओ, कल आओ, 10 दिन के बाद आओ, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम देश के लोगों का जीवन सुसह्य करना चाहते हैं। आखिरी में केवल एक छोटी सी बात मेरे विभाग से संबंधित है, इसलिए मैं आपको, आपका सहयोग चाहता हूँ। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो हमारा ट्रैफिक जा रहा है, इसकी कॉस्ट 1.5 रुपये पर किलोमीटर है। उदाहरण के लिए अगर रेलवे से जाते तो 1 रुपये है और पानी पर जाते तो 50 पैसे है। हमारी सिस्टम ऐसी बनी है
कि जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको हम सब्सिडी देते हैं। जैसे रोड के लिए पेट्रोल डीजल से लेकर सब प्रकार के सब्सिडियाँ हैं, ये हमारे यहाँ इसको पोल्यूशन करने वालों को फ़ायदा मिलता है। हमारे देश का गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड में जो पूरा अभी हमारे देश में वो 0.5% है जो हम लोग पानी पर जलता है, और चाइना का ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट 20% है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का भी सौभाग्य मिला जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रीय महामार्ग को 4 लेन में रूपांतरित करने की भी योजना बनाने का मुझे अवसर मिला, तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। पर मेरे कभी ध्यान में ये बात नहीं आई कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए मैं इसके तरफ विशेष ध्यान दे रहा हूँ। अब हमने ये तय किया है कि राज्यों की जो अनेक नदियाँ हैं इसको सबको हम इसमें कवर करें, और ये सब नदियों को कवर करके नदियों में इस प्रकार के सिस्टम क्रिएट करें कि जिसमें 5 मीटर का ड्राफ्ट हो, और जैसे बस पोर्ट बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे, वैसे वाटर पोर्ट, सी पोर्ट बने। हमने हमारे विभाग की ओर से मुंबई में सी प्लेन को अलाउ किया है। आपके अनेक राज्यों में तालाब है, अब एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मुंबई के जू से या नरीवन पॉइंट से अगर ये सी प्लेन उड़ेगा तो शिरडी के पास कोई तालाब में जाकर उतरेगा और वहाँ से लोग शिरडी का दर्शन करके जाएंगे। तो जैसे बस ट्रांसपोर्ट है, वैसे एविएशन के लिए हवाई जहाज की सर्विस है, वैसे ये सी प्लेन की सर्विस भी बड़े प्रमाण पर शुरू हो सकती है। और इसको हमने सभी प्रकार के, क्योंकि मैं शिपिंग का भी मंत्री मैं हूँ, इनलैंड वाटरवेज का भी मैं हूँ, और देश के सभी नदियों को, गंगा यमुना ही नहीं, देश की सभी, कल ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस कानून में सब नदियों को डाल दो। और जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वैसे प्रधानमंत्री जलमार्ग योजना हम बनाना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्रा में हल्दिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा ट्रांसपोर्ट, अभी हमने 35 लाख टन अनाज वहाँ ट्रांसपोर्ट किया है हमारे सिस्टम से। और इतना ही नहीं, तो अब हल्दिया पोर्ट में जो कोयला आ रहा है, जो फरक्का में जा रहा है पावर प्रोजेक्ट में NTPC के, वो भी हम लोग वहाँ दे रहे हैं, भेज रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके राज्यों में जहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट है, जहाँ आपके पास समुद्र है तो उसको विकसित करने के बारे में सोचिए, जहाँ नहीं है वहाँ नदियों को जो समुद्र में जोड़ती है उसमें इनलैंड वाटरवेज निर्माण करने के बारे में राज्यों में सोचिए। ये एक नई पहल है। जैसे हवरक्राफ्ट्स है, हेवी लाइट वेट हाई स्पीड मोटर बोट से पैसेंजर की, क्रूज है, टूरिज्म बढ़ सकता है, हवरक्राफ्ट्स की स्पीड अच्छी है। मैं 15 तारीख के बाद विदेश में जाने वाला हूँ। इस प्रकार की जो नई नई टेक्नोलॉजी, अभी यूरोप में एक है, एक बस है जो पानी पे भी चलती है और रोड पे भी चलती है, तो क्या हमारे देश में लाकर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हम लाएंगे तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने हर समय गरीबों की चिंता की है, जनता की चिंता की है। ई रिक्शा के बारे में मुझे बहुत अड़चने आई, तब मैंने लोगों को यह कहा कि आदमी आदमी को खींचता ये अमानवीय नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन इसके तरफ ध्यान नहीं देता कि इस देश के करोड़ों गरीब लोग हैं जो सोशली बैकवर्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के हैं, जो आदमी को खींचने का काम मेजोरिटी लोग कर रहे हैं, क्या उनसे TB हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हार्ट डिसीजेस हो रहे हैं, क्या उनकी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या इसको हम मैकेनाइज नहीं कर सकते। बड़े मुश्किलें आई पर हमने क्लियर कर दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे राज शासकों ने संवेदनशील होना चाहिए, गरीबों के प्रति समर्पित होना चाहिए, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली सबसे बैकवर्ड है उनके अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब ई रिक्शा को भी हमने ओपन कर दिया है, उसकी सभी समस्याओं को सॉल्व किया है। आपके शहरों में आप जो कहेंगे उस स्पेसिफिक, मुंबई में नरीमन पॉइंट में ई रिक्शा नहीं चल सकती, दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नहीं चल सकते, आपको अधिकार दिया है हमने कहाँ चलाना है। पर छोटे छोटे नगर परिषद क्षेत्र के गाँवों में जैसे हमने मैला उठाने की प्रथा जो थी उसको जिस प्रकार से हमने एबॉलिश कर दिया, तो कम से कम 3 क्विंटल तक सामान भी इसमें जा सकता है, सब्जी का दुकान भी जा सकता है, हाथ ठेला खींचने के बजाय इसका मैकेनाइज इंजीनियरिंग का उपयोग करके ये हो सकता है। और इस ई रिक्शा के द्वारा ये जो अमानवीय प्रथा जो थी उसको बंद करने का एक रिवोल्यूशनरी निर्णय हमारे विभाग ने लिया है। कोर्ट ने जो बही हुई बातें उसके साथ सुधार किया है। दिल्ली में 2-2.5 लोग इसको चलाते हैं। हिंदुस्तान में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में कितने गरीब लोग हैं जो ऐसा गले में कंधे में रखकर वो रिक्शा चलाते हैं, उसमें तो कभी बैठते समय भी आंखों में आंसू आते हैं। मुझे लगता है ये निश्चित रूप से देश के लिए अच्छी बात नहीं है,
और इसलिए ये आपके राज्यों में इस ई रिक्शा के बारे में भी आप प्रयोग करिए। टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, ये सब भविष्य है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा भविष्य है। हमारे लोगों का जीवन सुसह्य करना, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना, करप्शन फ्री करना, टाइम बाउंड करना और लोगों के जीवन को सुसह्य बनाना, यही उद्देश्य से लेकर ये अनेक सुझाव हमने आपके सामने रखे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू क्लेम दैट कि हम सब बातें अच्छी कर रहे हैं। हमने जो कुछ तय किया उसमें से कुछ बातें शायद आपको अगर लगता है कि कहीं गलत है तो उसको भी आप हमको बताइए। अगर कोई बातों को सुधार करना है तो उसमें भी बताइए। हमारे और आपके उद्दिष्ट में के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मीन्स एंड मेजर्स के बारे में दो बातें हो सकती है, आइदर कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी, दैट इज़ द बेस्ट सिस्टम। तो आपको अगर होगा तो आप हमको बताइए, आज इसकी दिन भर चर्चा होगी। और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की तुलना में एक इंटरनेशनल पैरिटी में उसके बराबर पहुंचाना, लोगों के जीवन को सुसह्य करना, सिस्टम को करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट करना और लोगों के जीवन को सुसह्य करते हुए सबसे बड़ी संवेदनशील बात यानी लोगों के एक्सीडेंट की संख्या कम करना, उनकी जान बचाना और इसके आधार पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी आगे डेवलप करने के लिए एक्सेलरेट करना। मेरे विभाग में नहीं है पर मेट्रो रेलवे जगह जगह पर आ रही है। मेट्रो को हम लोग मल्टी मॉडल सिस्टम से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ेंगे तो उसको बस सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। कुछ बातें आती है, डिपार्टमेंट के अधिकारी भी एक विशिष्ट प्रकार का ही विचार करते हैं। अभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, मेरे मन में विचार है कि जो पुरानी बसेस है उसको इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करके, क्योंकि वो शहर में घूमती है, कि 15 लाख रुपए की कैपिटल कॉस्ट खर्चा करके बच्चा स्कूल में जाएगा तो गरीब के बच्चों को उस बस का किराया कितना देना पड़ेगा। क्या उतनी अच्छी बस बनाकर, स्टडी बस और इलेक्ट्रिक सिस्टम पर कर जो गांव में घूमती है वो स्कूल बस करके नया कुछ तैयार कर सकता है क्या? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। गरीब के हित में, जनता के हित में, देश के हित में कानून बनना चाहिए और लोगों के जीवन को सुसह्य बनाना चाहिए, यही इसका स्पिरिट है। ये नया एक्ट इंटरनेशनल पैरिटी के साथ आपके सामने आया है। इसमें आप जो भी सुझाव देंगे इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और निश्चित रूप से आप और हम सब लोग मिलकर इसको आगे जाना है। ये केवल केंद्र सरकार नहीं कर सकती, आपके सहयोग के बिना हम लोगों की जान नहीं बचा सकते। ये कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें देश का हित है, इसमें लोगों की जान बचाने की बात है, देश को आगे ले जाने की बात है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग मिलकर एक स्पिरिट में इन सब बातों का विचार करके आगे जाने की कोशिश करेंगे तो राज्यों के साथ उनका सहयोग लेकर केंद्र भी आगे जाना चाहता है, आपके भी गाइडेंस को, आपके सुझाव को उतना ही महत्व देना चाहता है। आप भी चिंतन करके आपके सुझाव हमको जरूर दीजिए और हम सब लोग मिलकर इस देश को इस क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे और दुनिया की बराबरी में हमारे देश को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, यही हमारा सपना है और आप इसमें पूरी तरह से सहयोग करिए, यही आपसे मैं बहुत नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ। आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ आए हैं, आपने कुछ लोगों ने लिखित रूप में सुझाव दिए वो भी हमने हमारे पास लिए हैं, वेबसाइट पर जनता के सुझाव है वो भी हमने लिए हैं और इसको तुरंत जल्द से जल्द कैबिनेट तक पहुंचाकर और कैबिनेट से अप्रूवल लेकर इसी पार्लियामेंट की सेशन में ये बिल लाने की कोशिश मैं करने वाला हूं। आपके सहयोग से हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आगे जाएंगे और आपका सहयोग मिलेगा, यही आपसे हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।